देखिए शहीद सचिनानंद महतो हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्शों से हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे हम लोग का। जब लिखा ही है कि हम लोग जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सुनखोरों के खिलाफ आवाज उठाए और गरीबों को हमेशा सुनखोरों से बचाने का प्रयास किए, इसके कारण ये जेल भी गए। जेल में भी काफी लंबा टाइम इन्होंने बिताया, उसके बाद फिर से जेल से बाहर निकले तब भी ये हार नहीं मानी। जान भी चले गए हैं और झारखंड को जिस तरह जगाए हैं, गरीब सिस्टम का ये खिलाफ लड़े हैं, आज सब शासन को सही समझ देना चाहते हैं। वो भी इनका जो छुटा हुआ है उन पर हावी हो गए और उनका विचारधारा से लोग आगे बढ़े। तो वीर शहीद थे और हमारे झारखंड अलग राज्य जब हुआ इन्होंने काफी संघर्ष किए थे, काफी लड़ाई लड़े, तभी जाके आज हमारा झारखंड संघर्ष से अलग हुआ। इन्होंने हमारे लिए लड़ा और गोली खाया, उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो दूसरी पीढ़ी होगी वो जेल जाएगी। आज तो आप देख रहे हैं कि गोली नहीं मारते, आज सीधे कुछ भी अगर होता है तो उसको क्या करते हैं, या तो डंडा मारते हैं, डंडा मार के उनको सीधे जेल। पीढ़ी हम लोग जेल खड़े गए और आने वाला तीसरा पीढ़ी झारखंड में राज करेगा। जेल गए कभी हम लोग जाएंगे, एक झारखंडियों के दिल में बसा हुआ है, उनकी आत्मा आज एक एक झारखंडियों के दिल में समाया हुआ है और आज उन्हीं का देन, उन्हीं का वो ऐसे प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों की ऐसे प्रेरणा दे के गए हैं कि हम लोग इनका जीवन पर्यंत। जैसा कि अभी रवि माथुर बताएं कि पहला पीढ़ी जो है ये गोली खाने वाला पीढ़ी, इसके बाद वो पीढ़ी आएगा वो जेल जाने वाला, उसके बाद जो आएगा राज करने वाला। तो अभी आपको आपके हिसाब से कौन सा पीढ़ी है? बिल्कुल यही बात रखना तो भी बताए थे, तो जेल जाने वाला पीढ़ी बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पीढ़ी में जेल जा रहे हैं और आप कितने बार गए जेल? एक बार गए। तो आज शहीद सचिनानंद महतो का जयंती है, क्या इस पर क्या संदेश देंगे लोगों? देखिए शहीद सचिनानंद महतो हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्शों से हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे हम लोग का। जब लिखा ही है कि हम लोग जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग जेल नहीं जाते तो हमारी पीढ़ी फिर दर बदर हो जाएगी। तो आज ही हम लोग लड़ के ले लेंगे अपना जो हक अधिकार है, तो अगली पीढ़ी जो अपना आराम से रहेगी उसको लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो शिक्षा स्वास्थ्य में हमेशा ध्यान देगा उसको, शिक्षा के लिए जब शिक्षा का बात आएगा तो अच्छी तरह से शिक्षा ले सकता है उसको। ये लड़ाई कब तक रहेगा, जेल जाने वाला कब तक रहेगा? देखिए जेल जाने वाला जो लड़ा है, हर चीज़ का एक दशक चलता है, तो ये दौर है जेल जाने वाला, तो ये दौर को भी हम लोग पार कर जाएंगे और अगले पीढ़ी को एक सुंदर झारखंड बना कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, आर पार का तो लड़ाई हो रहा है। इस बार 24 में दिखेगा, ये 24 में इसका परिणाम दिखेगा, जो देखेंगे इसका लोकसभा चुनाव में टेलर दिखाएं, विधानसभा चुनाव में इसका फिल्म रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट में दिखे। तमाम शहीदों को नमन करते हुए ठीक है, शहीद सचिनानंद महतो का जयंती है और यहाँ जेबीकेएसएस के तमाम कार्यकर्ता पहुँचे थे जयंती मनाने के लिए, क्या संदेश देंगे झारखंड के? क्योंकि हमारे जो अमर वीर शहीद सचिनानंद महतो है उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को दे करके गए हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष रहा वो किसी से छिपा नहीं है, वो किस तरह से शोषितों पीड़ितों वंचितों के हक अधिकार के लिए लड़ाई करते थे, संघर्ष करते थे, सुदखोरी के लिए ये करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक पंक्तियाँ देखी हम लोगों के बीच में, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो कहीं ना कहीं उनका ये कथन ये कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। तो उनका सोच कहीं ना कहीं देखा जा रहा दूरदर्शी था और जिस तरह से वीर शहीद सचिनानंद महतो के नाम पर वर्षों से मेला लगते आ रहा है हमारे धनबाद के सिजुआ में, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे योद्धाओं का जन्म हुआ और झारखंडी विचारधारा के साथ में झारखंडी जनमानस के हक अधिकार के लिए संघर्षरत रहे और अपना प्राण की आहुति दिए। विनोद बाबू, विनोद बिहारी महतो भी एक नारा दिए थे, पढ़ो और
लड़ो। और ये शक्तिनाथ महतो भी नारा दिए थे, तो क्या विनोद बाबू का नारा जो था पढ़ो और लड़ो, क्या ये भी चल रहा है या फिर जेल जाने वाला काम खाली चल रहा है? देखिए कहीं ना कहीं हर जगह पर एक अलग प्लेटफॉर्म होता है हर एक जगह में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों में इनका जो, मेरा कहने का मतलब है कि केवल आप लोग लड़ाई ही कर रहे हैं या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं? देखिए पहले तो हम लोगों ने पढ़ाई किया और पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लड़ाई भी जारी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे वीर जितने भी वीर पुरुष थे, महान योद्धा थे हमारे झारखंड के, सबों ने हम लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन सबों से प्रेरणा लेकर के और आगे राज्य हित में और इस राज्य के जितने भी जनमानस है उन सबों के हित में हम लोग संघर्षरत। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है। आज शक्तिनाथ महतो का जयंती था, क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोगों को संदेश दीजिए। शहीद शक्तिनाथ महतो जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, वो मजदूरों के हित में और मजदूर हित में ही वो काम करते थे और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ को खड़े करते थे। उन्होंने एक नारा दिया था, अभी जो पीढ़ी है दादा, अभी कौन सा पीढ़ी चल रहा है? समझिए जेल जाने वाला पीढ़ी चल रहा है, जेल जाने गोली खाने वाला पीढ़ी गोली खा गया, अभी जेल जाने वाला पीढ़ी चल रहा है। आप देख ही रहे हैं आंदोलन जिस टाइप से झारखंड में चल रहा है, जिस टाइप से 24 साल हो गए झारखंड हुए, और यहाँ के लोग अभी भी कोशिश में बच्ची थे उसके अधिकार के लिए टाइगर जयराम। अच्छा जिस तरह से जेल जाने वाले पीढ़ी इसको बता रहे हैं, एक बार भी जेल गए क्या? कैसे सर, ऐसा बहुत मेरा आंदोलनकारी साथी है, तो आंदोलन का था आज आप लोग हमारे शहीद शक्तिनाथ महतो का जयंती मनाने पहुँचे हैं। शहीद शक्तिनाथ महतो जी को जयंती पर सबको शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि। आज जेबी किसेस द्वारा शहीद शक्तिनाथ महतो जी के जयंती पर हम लोग पूरे जिला कमेटी के तमाम और केंद्रीय पदाधिकारीगण सभी एक जगह जमा होकर हमारे शहीद शक्तिनाथ महतो जी की जयंती मना रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। शहीद शक्तिनाथ महतो जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश को स्वतंत्रता करने में दिलाने में हम भूमिका निभाएं। आप पहुंचे हैं जेबी केसर के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, आप भी पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? मैं आपके चैनल से सबको पहले जोहार, और सबसे पहले मैं उनके तीन जो मोटो थे उनके बारे में बैकग्राउंड करूंगा कि पहला उन्होंने बोला था कि पहला पीढ़ी जो है वो गोली खाएगी, जिस तरीके से उन्होंने गोली खाया था, बिरसा मुंडा हो चाहे हमारे क्रांति दूत हो चाहे जितनी भी निर्माण हो जिन्होंने हमारे लिए लड़ा और गोली खाया, उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो दूसरी पीढ़ी होगी वो जेल जाएगी। आज तो आप देख रहे हैं कि गोली नहीं मारते, आज सीधे कुछ भी अगर होता है तो उसको क्या करते हैं, या तो डंडा मारते हैं, डंडा मार के उनको सीधे जेल डाल देते हैं, झूठा FIR डाल के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो आप तो ये अभी देख रहे हैं, तो यही जो आप देख रहे हैं कि जो जेल जा रहे हैं लोग, अब यही जितने लोग जेल जा रहे हैं संघर्ष के कारण ही अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो लोग राज करेगी, वो लोग अपने हक के लिए, जो उनके हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे किसी भी पेंशन योजना हो चाहे कोई भी चीज है, उसको उसके लिए जो हम आज लड़ रहे हैं जेल जा रहे हैं उसी को आज आने वाली पीढ़ी जो है वो राज करेगी। और जिस तरीके से उनका उनका नाम भी है क्रांति दूत, तो जो जिस तरीके से वो हमारे जीवन में आए हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन क्रांति लाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था, और यही क्रांति को हमें जेबी केसेस में रखना है, आगे बढ़ाना है, और उसी के साथ हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको उसके उसके जो जीवन शैली है उसको हम बढ़ाएंगे और अच्छे से करेंगे।
चैनल में आपका जो हार्दिक अभिनंदन है। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंड की जोहार। आज आप लोग सत्यनाथ महतो का जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं, झारखंडियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक वीर पुरुष थे। देखिए झारखंडियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह ये वीर शहीद ने आज झारखंड में इतना संघर्ष किए हैं, झारखंड को अलग करने का भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और गरीब के शोषण जो हो रहा था उनके खिलाफ इसने आवाज उठाया है। आज झारखंड वासियों को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आज वीर शक्तिनाथ महतो ने जो काम करके अधूरा करके गए हैं, इतना संघर्ष किए उसका जान भी चले गए हैं और झारखंड को जिस तरह जगाए हैं, गरीब शोषण का ये खिलाफ लड़े हैं, आज सब झारखंड को यही समझ देना चाहते हैं। वो भी इनका जो छुटा हुआ है उन पर हावी हो गए और उनका विचारधारा से लोग आगे बढ़े, इनका जो प्रेरणा हुआ प्रेरणा है उसको अछूता ना रहने दें। इन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए इनका कहना सही था, कहे कि आज हम लोग भी अगर इस तरह इनका विचारधारा से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर आज हम संघर्ष करते हैं, कुछ भी अगर जो भी हक अधिकार का बात करते हैं, तो हमारे पास चाहे पुलिस प्रशासन का हो या वो किसी तरह से हम लोग को भी अत्याचार किया जाता है, इसीलिए इनका कहना है कि अगर राज करना है तो सबसे पहले आपको गोली खाना पड़ेगा। आप संघर्ष करिए, आप गोली खाइए, आप आपका पीढ़ी जेल जाएगा तब आने वाला पीढ़ी राज करेगा। तो उसी को लेके हम लोग भी इनका विचारधारा से प्रेरित हैं और इनका विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन इनका विचारधारा से हम लोग हैं। सच में यहाँ भारती दीवी है, पहुंचे परमाणु टीम, डेलीगेशन की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं कि आज बारिश की बिल्कुल छोड़ भी नहीं रही है, उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में हमने पहुँच जाएगी, इससे बड़ी बात आप कुछ नहीं सकते। मैं सभी सवाल आपकी जयंती पे सभी सही समर्पण भगवान ने झारखंड गेट और निर्माण में अपना सहयोग किया और शहीद हो गए। इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सबसे पहले ये सुदखोरों के खिलाफ आवाज़ उठाए और गरीबों को हमेशा सुदखोरों से बचाने का प्रयास किए, जिसके कारण ये जेल में गए, जेल में भी काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने बिताया, उसके बाद फिर से जेल से बाहर निकले तब भी ये हार नहीं माने और लगातार ये अपने उसी रास्ते पे चलते रहे कि कैसे गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को सुदखोरों से मुक्त किया जाए, और उनकी लड़ाई इस पे ही जारी रहेगी और इन पे ज़्यादा फोकस थी। जब भी आप इनकी अगर जीवनी को भी पढ़ेंगे तो इनकी लड़ाई शहीदों को, शोषितों को हमेशा सुदखोरों से बचाने का प्रयास किया गया था। और अगर इनकी बात को अगर हम एक इनका जो बहुत ही अच्छा मतलब इनकी जो बात थी कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो आज अगर हम लोग इस अगर उस लाइन को तर्कसंगत करके देखेंगे अभी के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वो हमारी शायद पहली पीढ़ी थी जब वो झारखंड के खिलाफ आवाज़ उठाए थे और गोली खा के यहाँ से चले गए, शहीद हो गए और दूसरी पीढ़ी थी जो कि अब हम लाठी खा रहे, मार खा रहे, जेल जा रहे हैं, और शायद अगर हम लोग इस तरह से लड़ते रहे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो राज करेगी झारखंड में, सही मायने में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शहीद शक्तिनाथ के विचारों को आज हमें अगर करने की जरूरत है। जय झारखंड के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज पूरे जेबीकेएसएस रामगढ़ टीम शक्तिनाथ महतो का जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं, आप इस पर क्या विचार दीजिएगा, झारखंडियों को क्या संदेश दीजिएगा? हम लोग यही झारखंड वासी को हम संदेश देंगे कि शहीद शक्तिनाथ महतो हमारे एक वीर शहीद थे और हमारे झारखंड अलग राज्य जब हुआ इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए थे, काफ़ी लड़ाई लड़े, तभी जाके आज हमारा झारखंड संघर्ष से अलग हुआ है। अगर हम लोग अपना कहीं भी हक अधिकार मानने जाते हैं तो ये वीर महापुरुष शक्तिनाथ का हम लोग नाम लेते हैं, इन्हीं शहीदी का विचारधारा से आज हम लोग का कट मर के कितने वीर शहीद हुए हैं, तभी जाके हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है। अलग राज्य को बहुत हुआ है, 27 राज्य हुआ है, लेकिन एक 28वां ऐसा झारखंड राज्य है कि हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे वीर महापुरुष शहीद शक्तिनाथ महतो थे, और जिनका जितने भी अमर शहीद हैं हम सभी को नमन करते हैं और इनका विचारधारा, इनका संघर्ष, इनका लड़ाई आज हम लोग
उनका विचार सही, हम लोग कहीं भी हम लोग अपना हक अधिकार के मारते हैं कि कहीं कहीं हमारे जो मतलब अंदर से ताकत महसूस होता है लोगों का नाम लेकर के आंदोलन करने से, हम लोग को पूरा ताकत होता है, एनर्जी होता है कि क्योंकि हमारे निर्मल महतो हो या शहीद शक्तिनाथ महतो हो या विनोद बिहारी हो, बिरसा मुंडा हो, शेख बिहार, जितने भी शहीद का नाम है सभी का हम लोग नाम लेते हैं और उन्हीं लोग का संघर्ष से आज हमारा झारखंड राज्य बना हुआ है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वीर शहीद के ही जैसा हम लोग को ताकत में हम लोग भी महसूस करते हैं कि शक्तिनाथ महतो से हम लोग कम नहीं हैं और हम लोग इन्हीं का विचारधारा से हैं और हमेशा रहेंगे और इनको सबको नमन करते हैं। आपके सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। आज जिस तरह से आपके नेतृत्व में यहाँ तमाम जेबीकेशन के कार्यकर्ता जुटे और शहीद शक्तिनाथ महतो का जयंती मनाने के लिए आप लोग आज आए यहाँ पर, इस पर क्या विचार दीजिएगा, पूरा झारखंडियों को क्या संदेश दीजिएगा कि शक्तिनाथ महतो क्या थे, आखिर इस तरह से जयंती मनाने के पीछे क्या रहा इनका, थोड़ा जीवन शैली बताइएगा। सर्वप्रथम तो मैं वीर अमर शहीद शक्तिनाथ महतो को नमन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंडियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शक्तिनाथ महतो का एक शरीर समझिए मिट्टी में विलीन हुआ है, पंचतत्व में विलीन हुआ, लेकिन उनकी आत्मा आज भी एक एक झारखंडियों के दिल में बसा हुआ है, उनकी आत्मा आज भी एक एक झारखंडियों के दिल में समाया हुआ है और आज उन्हीं का देन उन्हीं का वो ऐसे प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों की ऐसे प्रेरणा दे के गए हैं कि हम लोग इनका जीवन पर्यंत और कई पीढ़ी इनका ऋणी रहेंगे और ऋण इनका चुका नहीं पाएंगे, ऐसा हम लोग अपने आप में सोचते हैं, मानते हैं। इनका जो बलिदान है खासतौर पर झारखंडियों के लिए, इन्होंने अकेला शख्स ऐसा थे जो कि टाटा जैसा उतनी बड़ी कंपनी को झुका दिए थे, अपने जीवन काल में ये गरीबों के लिए लड़ते लड़ते, विस्थापितों को लड़ते लड़ते 22 साल भागलपुर से लेकर कई जेलों में अपना जीवन यापन किया, कई जेलों में 22 महीना जेल खटे ये, और उसका परिणाम था कि आज सिजवा टाटा और सिजवा जो आज देख रहे हैं, जिसमें कि कुछ थोड़ा बहुत अभी भी पूरा हक तो नहीं मिल पाया, लेकिन लड़ाई उसके बाद आने वाली पीढ़ी हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, हमको जयराम महतो में शक्तिनाथ महतो और निर्मल महतो का चेहरा दिखता है और हमको लगता है कि जयराम महतो उसका कमान उनके कार्यभार को जयराम महतो आगे बढ़ा रहे और आगे बढ़ाएंगे। जयराम महतो झारखंडियों का जो अभी शक्तिनाथ महतो बोले थे कि एक पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो जयराम महतो सही मायने में क्या जेल की राह देख रहे हैं और झारखंडियों का आगे कल्याण कर सकते हैं? 100% मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जयराम महतो एक लड़का एक व्यक्ति नहीं हुआ, अपने आप में एक विचारधारा और ऐसी विचारधारा है जो कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा संदेश और ऐसा चीज दे के जाएंगे, भले जयराम महतो रहे, सुदर्शन महतो रहे ना रहे, जयराम महतो रहे ना रहे, विनोद महतो रहे ना रहे, लेकिन हम लोग ऐसा चीज करके जाएंगे आने वाले पीढ़ियों के लिए कि जन्म जन्मांतर तक लोग याद करेंगे कि कुछ लोग पैदा लिए थे जो कि पूर्वजों के विरासत को कायम रखते हुए हक हकूक लड़ाई लड़ते हुए जेल गए, आंदोलन किए, लाठी खाए, मार खाए और लास्ट में हक हकूक दिला के ही हम लोग इस सृष्टि से जाएंगे, इतना पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ लक्ष्मण महतो भी हैं जो भावी जिला अध्यक्ष हैं, थोड़ा इधर आइए। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे आप, पूरे सभी आंदोलनों में आपको देखते हैं, सभी जहां भी जाते हैं वहां आपको देखते हैं और आज भी आप मिल गए हैं, क्या कहेंगे इस पर बताइए। हर मान्य में आपका स्वागत है। पहले हम तो बोलना चाहते हैं शक्तिनाथ महतो का जन्म 2 अगस्त 1948 का हुआ, उनका प्राइमरी शिक्षा भोक्ता स्कूल में हुआ, सेकेंडरी शिक्षा गांधी हाई स्कूल में हुआ, उन्होंने अपने कंपटीशन के बल पर ITI निकाला, उसके बाद ITI कंप्लीट फीटर में किया, फीटर में कंप्लीट होने के बाद वह कंपनी में काम किए, कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने जमींदारी प्रथा और काला बाजारी के विरोध में अपने गांव मोहल्ला में जगाया, पूरा झारखंड को जगाने का काम किया, यहाँ पूरे झारखंड के लोगों में जो यहाँ शासन करते थे जमींदारी प्रथा उसको ख़त्म करने का काम किया और यही
मैंने घुसखोरी के खिलाफ आंदोलन करते करते उनको जेल भी जाना पड़ा। 22 महीनों तक वह जेल में रहे, उसके बाद निकल के झारखंड में बहुत मैंने अच्छा काम किया। और उन्होंने यह भी बोला था पहला पीढ़ी जेल खटेगा, दूसरा पीढ़ी पहला पीढ़ी बलिदान देगा, दूसरा पीढ़ी जेल खटेगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। पहला पीढ़ी उन्होंने बलिदान दिया, दूसरा पीढ़ी हम लोग जेल खटेंगे और आने वाला तीसरा पीढ़ी झारखंड में राज करेगा। जेल गए कभी? हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ झारखंड को आंदोलन झारखंड को बचाने के लिए हम लोग पूरा अभी हम लोग लगभग सभी जगह जितना फैक्ट्री हो या जितना घुसखोरी हो रहा है वहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो लगभग 90% यहाँ घुसखोरी हो रहा है जिसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। आज नहीं कल लेकिन जेल जाएंगे जरूर, जेल जाने के लिए तैयार है एकदम। हम लोग जेल झारखंड के लिए जेल के हम लोग बलिदान भी देने के लिए तैयार हैं।